नमस्कार सबको, मैं डॉक्टर इमलिकम्बा, चिकित्सा अधिकारी पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान पासीघाट अरुणाचल प्रदेश से। आज हम एक प्रोग्राम जो ट्रेडिशनल हीलर्स है, लोक चिकित्सक है, उसके ऊपर एक सेंसिटाइजेशन वन डे प्रोग्राम किए हैं जो हीलर्स ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के को बिलोंग करते हैं। ये प्रोग्राम हम लोगों का मैंडेट जो ट्रेडिशनल हीलर्स का अपलिफ्टमेंट है उसके ऊपर बेस करके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑल टुगेदर 15 हीलर्स इस प्रोग्राम में अटेंड किए थे और उनको बहुत सारे चीज़ जैसे कि सर्टिफिकेशन और प्लांट्स एंड एनिमल्स जो ट्रेडिशनल हीलिंग में यूज़ किया जाता है उसके ऊपर उनको ट्रेनिंग दिया गया था। और ट्रेडिशनल हीलर्स का जो सर्टिफिकेशन है जो 6 डोमेन्स में होता है, जैसे कि ट्रेडिशनल बर्ड अटेंडेंट, ट्रेडिशनल बोन सेटिंग, पॉइजनस एंड इंसेक्ट्स बाइट, कॉमन एलिमेंट्स, आर्थराइटिस, जॉइंटिस, ये 6 के ऊपर भी कैसे सर्टिफाई होना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत है और कौन सा इंस्टीट्यूट इस सर्टिफिकेशन को फॉलो करता है उसके बारे में बोला गया है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को धन्यवाद देता हूँ और हमारे इंस्टीट्यूट नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन को धन्यवाद देता हूँ कि ये प्रोग्राम हम लोग कर पाए। थैंक यू। माइसेल्फ डॉक्टर रविंद्र टैरन एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन। दिस इंस्टीट्यूट हैज़ ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बट वेरी प्रोडक्टिव मैंडेट ऑफ डॉक्यूमेंटिंग द हीलिंग प्रैक्टिसेस particularly in North Eastern region and documentation of the folk medicine used by the healers in this region. After that, validating their practices and their medicines for the benefit of the society and for the benefit of the nation. Institute activities does not end with documentation and validation. We are also making an initiative to uplift the skill of the traditional healers, which is they have been practicing since decades through oral traditions, so that the knowledge is not lost. And for that, we are conducting from time to time the training to sensitize them and making an effort to continue their practices for the benefit of the preservation and for the its use in the society. Today we have invited 20 healers in and around Pasighat and sensitized them about the need for the continuation of their practice and also for the preservation of their practice. And after that, we will make effort.